क्या लगता है आपको 2023 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? या दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। काफ़ी समय से लोग सत्ता में काबिज है और मैं चाहता हूँ कि कुछ नया हम देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये तरक्की के ज़्यादा अवसर युवाओं के लिए भी और देश के लिए भी और हमारे महानगर संस्कार रानी के लिए भी। 2000 अगर बात करें 24 की, तो केंद्र में किसे देखते हैं आप? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं जिसको चाहता हूँ उसको पब्लिकली तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ कि जो विकास कार्य करेगा, जो हमारे देश का नाम रोशन करेगा और जो देश के युवाओं के लिए काम करेगा, देश के युवाओं के लिए जो काम करेगा, देश की सुरक्षा के लिए जो काम करेगा और सबसे पहली चीज़ कि रोजगार के अवसर जो मुहैया कराएगा, उसको हम वोट देना। आप किस क्षेत्र में रहते हैं जबलपुर में? मैं यही रसल चौक मध्य में। मध्य में रहते हैं। इस बार जो देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है बीजेपी के द्वारा, कई सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसी जबलपुर की बात करें तो पश्चिम से राकेश सिंह पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता किसको चुनेगी, 10 साल के एक्सपीरियंस को या 20 साल के एक्सपीरियंस? देखिए ये तो आपको ही बताया कि 15 से 20 साल आदमी जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, सांसद था, उसका एक तो डिमोशन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं ये डर की बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राकेश सिंह सर का डिमोशन हुआ है और मैडम कुर्सी छोड़ना चाहिए। अगर आप 15-20 सालों से एक ही चीज पे काबिज है तो नए युवाओं को मौका देना था। जैसे मैं किसी दलगत पार्टी की राजनीति तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभिलाष भैया को समझता हूँ कि बहुत यंग क्राउड था उनके पास, उनको अगर मौका मिलता तो युवा अगर कोई ऐसा विधायक बनता तो हम लोग उसका साथ देते। मैं तो युवाओं का साथ दूंगा, मुझे तो ना कांग्रेस से मतलब है और ना बीजेपी से मतलब है। जो युवा खड़ा होगा, जब युवा होंगे हम उनके साथ होंगे। तो इस बार क्या लगता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा, क्षेत्र की जनता विधायक को चुनेगी या सांसद जो अभी आया है विधायक लड़ने? देखिए सांसद जी की लोकप्रियता जबलपुर में तो नहीं है, हो सकता है इसके बाहर होगी, पूरे हिंदुस्तान में होगी। वो कभी मुख्य चुनाव के सचेतक भी रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान की राजनीति के लायक आदमी है, छोटी सी राजनीति में क्या कर रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति करना था, ये तो डिमोशन कर बैठे वो अपना जी। तो बाकी तो आप खुद भी चाहते हैं कि पूरी जनता चेंज चाहती है और देखने को मिलेगा। 20 सालों में आपके फील्ड के लिए कुछ सहयोग किया राकेश सिंह जी की तरफ से? तो हमें आज तक कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ये बोलते हैं कि मेरा विषय नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा विषय वो भी नहीं रहेंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमको सपोर्ट नहीं किया है, कभी भी कोई सहयोग नहीं किया है। तो उनका यही कहना होता है जब भी हम उनसे कोई सहयोग के लिए जाते हैं कि हमारा विषय नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी राकेश सिंह जी को कहना